हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बच्चे, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जरा थोड़ी सी गंभीर बात कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग डिसलाइक करने वाले हैं इस वीडियो को, लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। देखो, मैंने पहले भी तुमको कदम ताल के रिगार्डिंग बताया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो वीडियो याद होगा, वैकेंसी के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी थोड़ा सा रुको, अगली बार का एग्जाम कब होगा, अभी आप नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, मैं आपको एग्जाम डेट बताऊंगा, ध्यान रखना। तो इसलिए चिंता मत करो, अपना बस तैयारी में लगे रहो। डिफेंस गुरुजी आपको फ्री क्लास। आज का थंबनेल आप देख रहे हैं, फेज टू में नहीं होगा डीएफटी टेस्ट, ध्यान रखना। फेज टू में क्या है बच्चे, नहीं होगा डीएफटी टेस्ट। डायनामिक फैक्टर टेस्ट हम लोग बोलते हैं, जो कुछ ही टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने आपको उसके बारे में बहुत पहले बता दिया था, अब वो इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन अब ये टेस्ट हटने वाला है बच्चे। अब ये टेस्ट क्या है बच्चे, हटने वाला है। तो आप सब लोगों को खुशी हो रही है या दुख हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। लेकिन इस बार आपका डीएफटी टेस्ट होगा, ठीक है बच्चे। इस बार जो आपका फेज टू चल रहा है, मैं पहले सबको क्लियर कर दूं, इस बार जो बच्चे जनवरी 11 से 25 तक जो चल रहा है, इस बार आपका टेस्ट होगा। इस बार क्या बच्चे, इस बार आपका डीएफटी टेस्ट होगा। पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें क्या बच्चे आप लोगों का डीएफटी टेस्ट होगा। क्या बच्चे, इस बार आपका क्या होगा बच्चे, डीएफटी टेस्ट होगा। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, अगली बार का जो एग्जाम होगा, जो यहां पर नेक्स्ट एग्जाम होगा, अगली बार का जो एग्जाम होगा, जिसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है नेक्स्ट इनटेक के लिए, उसमें बच्चे डीएफटी टेस्ट को हटाने का प्रोग्राम बना लिया गया है। क्या बच्चे, डीएफटी टेस्ट को हटाने का प्रोग्राम क्या है उसके अंदर बना लिया गया है। मैं आपको पहले ही अपडेट कर देता हूं, इस बार होगा लेकिन अगली बार से क्या बच्चे, डीएफटी टेस्ट खत्म। अगली बार से क्या बच्चे, ये डीएफटी टेस्ट यहां पर क्या है, अगली बार से बच्चे ये डीएफटी टेस्ट यहां पर क्या होगा, ये डीएफटी टेस्ट जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन में थोड़ी सी अड़चन पैदा कर रहा है, उसको बच्चे इस बार तैयार कर लिया गया प्रोग्राम की इसको हटाएंगे। कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस होगी या नहीं होगी उसके ऊपर विचार चल रहा है, अदरवाइज तो आप लोग जानते हैं, जो पहले आपका हुआ करता सीधा फिजिकल, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, और फिर बच्चे आपका एसआरटी वैसआरटी जो उस दिन चलता वही है ना। लेकिन अब क्या बच्चे, तैयारी कर ली है एयरफोर्स ने यहां पर डीएफटी टेस्ट को हटाने की। जितना मुझे जानकारी है, मुझे लगता है बच्चे ये डीएफटी टेस्ट आप लोगों का हटने वाला है। तो इसके ऊपर बच्चे सिलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर जरा विचार करते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट तो बच्चे क्या पड़ेगा, ध्यान रखना, सबसे पहला इंपैक्ट अब सिलेक्शन के ऊपर क्या रहेगा देख लो जरा। अब सिलेक्शन रेशो की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चे, हम लोग यहां पर बात करेंगे सिलेक्शन रेशो की हम लोग। लेकिन इस सिलेक्शन रेशो में क्या आपको लगता है, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग सिलेक्शन रेशो बढ़ने वाला है या सिलेक्शन रेशो घटने वाला है। फिर मैं आपको मेरा एक व्यू बताऊंगा कि डीएफटी का इंपैक्ट क्या है। देखो, बहुत सारे लोग जो इलीगल एक्टिविटी में थे, जो गलत काम कर रहे थे, मुझे लगता है एक उन लोगों को लगता होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ेगा, उन लोगों को क्या लगता होगा सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ेगा। लेकिन मैं बोलता हूं बच्चे, अगर उन्होंने ग्रुप डिस्कशन को ही टफ बना दिया तो सिलेक्शन प्रोसेस पे इंपैक्ट अपने आप पड़ जाएगा यार, है ना। देखो, दे हैव लिमिटेड सीट यार, उनको यहां पर क्या पर सेंटर क्या है बच्चे, उनके पास यहां पर लिमिटेड सीट्स हैं, है ना। अब 17 के 17 हजार को तो भर्ती कर नहीं सकते हैं भाई, तो दे हैव व्हाट, दे हैव लिमिटेड सीट। तो लिमिटेड सीट को देखते हुए क्या उन लोगों को काम आगे बढ़ाना है, उनके पास यहां पर क्या बच्चे लिमिटेड सीटें हैं, उनको देखकर क्या यहां पर उनको काम आगे बढ़ाना है, सीधी सी बात है। तो सीटों के ऊपर बच्चे बहुत कुछ दारोमदार रहता है, आप लोग जानते हैं, इसीलिए जीडी के लेवल को उठाया जाएगा। आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी अगली बार के लिए, इस बार के लिए कुछ नहीं है। अगली बार के लिए क्या बच्चे आप लोगों का डीएफटी टेस्ट नहीं होगा, अगली बार के लिए क्या बच्चे आप लोगों का डीएफटी टेस्ट नहीं होगा, मान के चलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर बच्चे मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। दूसरी बात बच्चे, डिफेंस गुरुजी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है बच्चे फ्री क्लासेस। क्या लेके आ रहा है बच्चे, फ्री क्लासेस, जहां पर इंग्लिश की क्लासेस हैं,
जहां पर बच्चे फिजिक्स की क्लासेस हैं, तो मेरे चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो डेली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आप बच्चे गूगल पे जाके भी लिखेंगे डिफेंस गुरुजी, तो वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिफेंस गुरुजी क्या है। सब लोग गूगल के ऊपर फटाफट सर्च करो, बस सब लोग यहां पर क्या है गूगल के ऊपर फटाफट सर्च करो डिफेंस गुरुजी, आपको बहुत सारी अपडेट मेरे बारे में आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। तो यहां पर आप बच्चे जाके पता कर सकते हैं। यही बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, यही यहां पर क्या बच्चे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और मैंने बहुत सारी चीजें आपको फ्री दे रहा हूं, मैं फ्री बैठ के घर पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पैसा नहीं देना। जब मैं आपको बताऊंगा बेटा ऑफलाइन बैच लॉन्च हो रहा है तब आप लोग आ जाएगा, अदरवाइज क्या है घर बैठ के कोई पैसा नहीं, फ्री 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 कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना हो सके बच्चे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। डीएफटीएस हटने वाला है, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात फैलनी चाहिए, फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे और फिर हम लोग उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारेंगे जिससे उनका मुंह चुप हो जाएगा। और वो सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे क्या होगा हर एक चीज। और जल्दी ही आप लोगों के लिए इस बार जो आपका फेज टू स्टार्ट हो रहा है जनवरी 11 से, उसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के साथ जय हिंद।